आप सभी को नमस्कार दिनेश की तरफ से। दिनेश भाई सादर प्रणाम, नमस्कार, स्वागत आपका और सभी मित्रों को सादर प्रणाम और नमस्कार। कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था और मां सरस्वती की आराधना करने का सबसे सुयोग्य दिन था बसंत पंचमी। तो आप सभी मित्रों को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की बीते हुए त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का। मित्र, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली से हूँ और hospitalwala.com जो पोर्टल है इसका मैं फाउंडर हूँ। और आपकी कंपनी है जिसका नाम है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं चर्चा करूंगा जो इस क्वार्टर के लिए कॉन्टेस्ट कल से लॉन्च हो गया है, 26 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो कॉन्टेस्ट आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे अपना मेडिकल टूरिज्म के ऊपर और कुछ नए जो हॉस्पिटल इंपैनलमेंट हुए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ में कुछ हमारे मित्रों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हम उसको भी लेने की हर संभव कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब मिस्टर गुलबहार जी अगर जुड़ पाएंगे और समय दे पाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेवलिंग में है, तो मैं उनके आगे की मास्टर प्लान भी समझूंगा कि नॉर्थ इंडिया में कितने हॉस्पिटल हमारे साथ में ला रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों संक्षिप्त में आप दोस्तों से निवेदन रहेगा कि आप अपना एक बार परिचय दे दें, नाम और शहर का नाम तो बेहतर होगा, आप एक बार परिचय देने की कृपा करें। हेलो जी, नमस्कार सर, दिनेश इशार हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत हिसार से दिनेश भाई साहब का। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो सुरक्षा से? हेलो, हाँ जी, हेलो, दिल्ली से अमर, अमर सर, नगर से अमर, अमर जी हैं दिल्ली से। दिल्ली में किस एरिया से हैं आप? उत्तम नगर से सर। उत्तम नगर से अमर जी हैं, स्वागत है अमर जी आपका। और कोई मित्र अपना परिचय? वेलकम सर। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? मानव कुमार सैसानी, सूरत, गुजरात। मानव कुमार सासानी, मानव कुमार सासानी, गुजरात में। कहाँ, बड़ोदरा से हैं आप या? हाँ जी सर, बड़ोदरा के आसपास सिटी से हैं किसी। जी स्वागत है सर गुजरात से भाई साहब का। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? सर नेटवर्क की थोड़ी सी कमी है, आप अपना परिचय दे दें प्लीज। जी एक भाई साहब अपना परिचय देना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क उनका थोड़ा स्लो है इसलिए प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब आपसे निवेदन है कि आपका ना जो वीडियो वाला सेक्शन है उसको बंद कर दीजिए, ऑडियो से बात करें, आपका नेटवर्क फिर भी ठीक हो जाएगा। आप वीडियो को बंद करें और सिर्फ अपना परिचय दे दें ऑडियो पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट में कुछ मित्र जुड़े हैं, अगर मित्र अपना परिचय दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना नाम और शहर का नाम बता दीजिए जो मित्र अपना परिचय देना चाहते हैं जो लास्ट में जुड़े हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, अभिषेक वर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक वर्मा जी का भोपाल से जुड़ने के लिए। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हैं? जिन मित्रों ने भी परिचय दे दिया है उनका विशेष आभार, और जिन मित्रों ने परिचय नहीं दे पाए हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हो सकता है कोई दिक्कत हो या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या
अभी 8 बज गए हैं रात के और सर्दी का समय है तो घर में हो तो इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, उनका भी आभार और धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। मित्रों आज की शुरुआत करूंगा मैं इस क्वार्टर के कॉन्टेस्ट से। 26 जनवरी 2023 को एक कॉन्टेस्ट लॉन्च हो गई है और सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कॉन्टेस्ट के ऊपर, और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो के हमारे स्क्रीन पे आए, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको ले आना चाहते हैं और यहाँ चल के हम आपको वो प्रेजेंटेशन का पार्ट दिखाना चाहते हैं। तो मित्रों सबसे पहला एक कॉन्टेस्ट है, एक कॉन्टेस्ट है, इसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर 2023 कॉन्टेस्ट। इसका पीरियड है 26 जनवरी 2023 से मार्च 31 2023 तक। दोस्तों इसको 6 श्रेणी के कैटेगोरी में बांटा गया है, 6 अलग अलग श्रेणी दी गई है। इसमें सबसे प्रथम श्रेणी है सीरियल नंबर का, दूसरा श्रेणी है दोस्तों क्लास का, नंबर ऑफ बिजनेस का, और तीसरा श्रेणी है आपका प्राइज का कि आपको अगर टूर या गिफ्ट नहीं चाहिए तो आप उसका कैश प्राइज ले सकते हैं। दूसरा हमने इसको 6 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला भाग है कि नंबर ऑफ एडमिशन 25 होना चाहिए। दोस्तों नंबर ऑफ एडमिशन के पीछे हमने ऐसा कोई भी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। उस एडमिशन की बिल 50,000 का होना चाहिए या 5 लाख का होना चाहिए, ज्यादा का होना चाहिए, कम का होना चाहिए। जिन मित्र ने खुशी में पीछे से नगारे बजाना शुरू किए हैं, ढोल और नगारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रसन्नता झलक रही है। मित्रों तो 25 एडमिशन के ऊपर सिंगापुर ट्रिप है, या अगर सिंगापुर ट्रिप किसी कारणवश आप नहीं जाना चाहते हैं या आपको कैश प्राइज चाहिए तो मिनिमम 25,000 रुपया या मैक्सिमम 30,000 रुपये का कैश अवार्ड आपको मिलेगा। जो भी कैश प्राइज मिलेगा उसमें आपका TDS कटेगा दोस्तों। दूसरी है 45 एडमिशन पे, जिसपे सिंगापुर ट्रिप रहेगा 2 एडल्ट के लिए, आप अपने परिवार, दोस्त मित्र, सका संबंध, रिलेटिव, ऑफिस के स्टाफ, किसी को भी आप लेके जा सकते हैं और उनका खर्चा रहेगा मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 60,000 रुपए का। 100 एडमिशन के ऊपर यूरोप का ट्रिप रहेगा जिसका फंडिंग प्राइस रहेगी 1 लाख से लेके 1,25,000 रुपए तक। हमारी कोशिश होगी कि टूर ऑपरेटर के मापदंड के हिसाब से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम आपको टूर ही कराएं। फिर भी कुछ अगर मित्रों का, कुछ पार्टिसिपेट का, कुछ विजेताओं का ये मत होगा कि नहीं हमें कैश प्राइज चाहिए तो हमें कैश देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह 175 एडमिशन के ऊपर यूरोप ट्रिप रहेगा जिसमें 2 एडल्ट का रहेगा, इसका खर्चा आएगा 2 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का। पांचवा स्लैब है दोस्तों 250 एडमिशन पे, जिसके अंदर मारुति कार का रखा गया है, मारुति कार की जो भी एक शोरूम प्राइस होगी वो आपको पे कर दी जाएगी। और छठा है आपका 450 एडमिशन पे, जिसमें हुंडई क्रेटा कार का एक शोरूम प्राइस आपको दे दिया जाएगा। ये प्राइस हम उन्हीं के नाम पे देंगे जो कार वाला प्राइस है, जिनके नाम पे हमारे यहाँ पार्टनर कोड है, यानी कि टीम लीडर का कोड है, यानी कि रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर का कोड है, हम उन्हीं के नाम पे ये सारा आइटम देने वाले हैं। टूर्स में आप अपने साथ में किसी और को ले जाना चाहे, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ये ऑप्शन रहेगा। दोस्तों इसके अंदर बहुत साधारण सा 3 कंडीशन है कि हम सिर्फ हॉस्पिटल वाला मार्केटिंग पार्टनर, जिसको रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर बोलते हैं, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है, यानी टीम लीडर के लिए है। दूसरा दोस्तों जिन टीम के लीडर ने हमसे कोई स्पेशल डील लिया हुआ है कॉन्टेस्ट के अलावा, उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होगी, उनके लिए वायलेट नहीं है। और ट्रिप की जो फैसिलिटी है वो तभी अवेलेबल करा जाएगी जब कोविड मापदंड को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अगर परमिट करता है तो। अगर गवर्नमेंट परमिट किसी भी वजह से नहीं करता है तो उस केसेज में हम लोगों को पेमेंट ही लेना होगा। दूसरा दोस्तों कब हॉस्पिटल वाला का जो अपडेट लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा दिल्ली NCR हमने सबसे ऊपर वाला कॉलम में रखा है। दिल्ली NCR में लगभग 280 से ज्यादा हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम आ चुके हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, जिसमें ज्यादातर हॉस्पिटल, लैब आपके साथ में प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क के अंतर्गत में MOU साइन हुआ है। ये लिस्ट जिन मित्रों तक नहीं पहुंचा हुआ है वो कृपा करके हमें व्हाट्सअप करके, या जिन भी दोस्त के द्वारा आपके पास व्हाट्सअप गया है, निमंत्रण गया है, उनको व्हाट्सअप करके आप हॉस्पिटल का लिस्ट मंगा सकते हैं। 271 है दोस्तों, इसमें 5 या 6 और भी बढ़ गया है तो ये मैं अपडेट करके मंडे तक आपको दे दूंगा। इसी तरह हरियाणा में
हरियाणा से, हिसार से हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं, हिसार में भी हमारे साथ है और बाकी हरियाणा में भी अपने साथ में हॉस्पिटल जुड़ रहा है हमारा, क्योंकि टीम हरियाणा में बहुत मजबूत नहीं है। जैसे ही हमारी टीम में मजबूती आ जाएगी, हम हरियाणा वाला बेल्ट पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और 16 हॉस्पिटल एज ऑन डेट है दिल्ली एनसीआर को अगर छोड़ दे तो। उसी तरह राजस्थान के बेल्ट में अपनी टीम नहीं काम कर रही है, लेकिन राजस्थान में लगभग जितने भी बड़े शहर है उन सभी शहर, चाहे जयपुर हो, भरतपुर हो, टोंक हो, सभी जगह आपके साथ में हॉस्पिटल अवेलेबल हो चुका है। 24 हॉस्पिटल एज ऑन डेट है आपका राजस्थान में। अगर बिहार में देखते हैं दोस्तों, तो बिहार में आज के दिन में आपके पास 64 हॉस्पिटल्स है। उसी तरह झारखंड में महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हम लोग 116 हॉस्पिटल के साथ में है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में, 19 हॉस्पिटल है। मध्य प्रदेश में कुछ हमारी टीम है बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उनके मन में जो शंकाएं और समाधान है वो पिछले साल भर से शायद हम दूर नहीं कर पाए हैं। कोशिश करेंगे कि आज की मीटिंग में दूर करें और उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी कई शहर में अपनी टीम है, अपने मित्र लोग हैं जो टीम को बढ़ा के इस काम को बढ़ा सकते हैं। किसी तरह पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और नेपाल में है। दोस्तों एक आपका इंटरनेशनल हॉस्पिटल ग्रुप है जिसके साथ में अपनी बातचीत चल रही है, तो अगर वो बातचीत हो जाती है तो आपके सिंगापुर, बैंकॉक और मलेशिया में उस ग्रुप के हॉस्पिटल है, तो वो आपका पूरा टाइप हो जाएगा, तो आप अपने पेशेंट को इस कंट्री में भी भेज करके ट्रीटमेंट करा पाओगे। दूसरा दोस्तों, अब मैं मार्केटिंग पार्टनर का जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो मैं अक्सर दिखाता रहा हूं, वो एक बार इसमें प्रस्तुत कर देता हूं। जिन मित्रों को भी इस पे कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे हमारा मिशन क्या है और विजन क्या है, वो संक्षिप्त में दिया हुआ है। हमारे जो हॉस्पिटल पार्टनर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है। हमारे साथ में मुख्य रूप से जो प्रमुख तौर पे हमारे साथ में जो पार्टनर है, जो जिनके प्रति हमारी जवाबदेही है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं, वो सब यही लोग हैं जो सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, कर्ता धर्ता हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रियल एस्टेट ब्रोकर है, पॉलिसी बाजार के पार्टनर है और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के पार्टनर है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर और हॉस्पिटल को लेके चल रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा स्कोप है, कई बड़े हॉस्पिटल जिसका ब्रांड आज के दिन में आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल पेशेंट के लिए और मेडिकल टूरिज्म के लिए आपके साथ में एमओ साइन करने के लिए तैयार है। छोटे छोटे कंडीशंस हैं, बस एक बार हम लोग थोड़ा सा संगठित हो जाएं और संगठित होकर इस काम को शुरुआत कर ले तो और बढ़िया काम हो जाएगा। मेडिकल टूरिज्म पे मैं दोबारा लौटूंगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटल पार्टनर हैं अपने साथ में, उनकी कुछ लिस्टें अपडेट हुई है इस पीडीएफ फाइल में, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा। इसके अलावा जो हमारे साथ में बहुत तेजी से जो पार्टनर बन रहे हैं, उसमें आर्किटेक्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, सीएलआई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ड्राइवर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, इंश्योरेंस एजेंट है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के काफी सारे अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले अधिकारीगण महिला एवं पुरुष है। इसके अलावा डॉक्टर है, डेवलपर है, इंजीनियर है, फैशन डिजाइनर है, फार्मर और फिशिंग करने वाले लोग हैं, खास तौर पर टैक्स कंसल्टेंट है, ट्रैवल गाइड है, ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर है, टीचर है, सेल्समैन है, सोशल वर्कर है और नर्सेज हैं। वो हमें इस काम को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग कर रहे हैं। अगर आज के दिन में हम बात करें तो 125 से ज्यादा शहरों में आपकी प्रेजेंस है जहां पे आप काम कर रहे हैं। दोस्तों अपने साथ में दो तरह से मार्केटिंग पार्टनर हम लोग बन सकते हैं और बना रहे हैं। एक है जनरल मार्केटिंग पार्टनर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनमें सिर्फ हम केवाईसी लेते हैं और सिर्फ हम उनको रेफरल पेमेंट करते हैं जो रेफरल अमाउंट होता है। और दूसरा होता है अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर। जैसे ही आप अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर बन जाते हैं, आपको टीम लीडर के उपाधि मिल जाती है हमारे तरफ से, और टीम लीडर बनते ही आप अपने टीम को बढ़ा के भी काम कर सकते हैं। उनके लिए एक छोटा सा हमने फीस रखा है, वो फीस भी सिर्फ हम आपको ही रिकॉग्नाइज कर पाए, आपको हम अथोराइज कर पाए, उसके लिए रखा हुआ। उसमें हमारा विचार
कोई पैसे कमाना नहीं है आपके 1,000 रुपया में से, 1,000+ जीएसटी हम आपसे चार्ज करते हैं। जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर है उनके लिए जो भी हॉस्पिटल का जो ग्रीड होगा स्लैब होगा एज पर स्लैब उनको चला जाएगा, और जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है उनके लिए टोटल 9 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब, जो डायरेक्ट इनकम रहेगा उनका कॉन्टेस्ट इनकम जो अभी कॉन्टेस्ट हमने दिखाया है अभी, तो वो कॉन्टेस्ट सिर्फ आप ही के लिए है, और वो कॉन्टेस्ट आपके अपने बिजनेस और आपके पूरी टीम के बिजनेस के ऊपर कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा। टीम इनकम रहेगा, टीम इनकम के बारे में अगले स्लाइड में हम बात करेंगे आपसे। हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम रहेगा, जितने भी हॉस्पिटल को, लैब को, नर्सिंग होम को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे उसके ऊपर भी प्रॉफिट शेयरिंग करी जाएगी। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, 1,000 विजिटिंग कार्ड मिलता है, ऑथोराइजेशन लेटर मिलता है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और साथ में आपको हॉरिडेटरी कमीशन इनकम का साधन मिलता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 9 कि हम लोग अपने जीवन काल में जितने नंबर ऑफ पार्टनर को अपने साथ में जुड़वा लेंगे, अपने टीम में लेके आ रहेंगे, जितना बड़ा हॉस्पिटल और नेटवर्क अपने टीम में होगा पूरे भारत वर्ष में आप कहीं भी अपना टीम बना सकते हो, हॉस्पिटल नेटवर्किंग करा सकते हो, और उस सभी के ऊपर आपको लाइफ टाइम तक इनकम जाता रहेगा जब तक हम लोग रहेंगे। जब हम लोग नहीं भी रहेंगे उसके बावजूद भी वो इनकम, आपके टीम का इनकम, आपका हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम आपके नहीं रहने के बाद में आपके अर्धांगिनी को, आपके लीगल हायर को जाता रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत सोच विचार और कैलकुलेशन करके इस तरह के बात रखे गए हैं। फिर भी किसी मित्र के मन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो चाहते हो कि हम लोग इसमें आगे चेंज करें तो जरूर सलाह दीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है आप सभी दोस्तों से। दोस्तों अब स्क्रीन पे आपके आ गया है ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर का इनकम रेशियो का, तो इसमें अगर आपके टीम से जितने भी व्यक्ति ने जुड़ के, टीम में जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ करके आपके लिए 1,00,000 रुपए का इनकम उन्होंने अपना किया, तो उसके ऊपर 1% आपको एक्स्ट्रा इनकम जाएगा डायरेक्ट इनकम के अलावा। तो सबसे पहला इनकम आपका होता है डायरेक्ट इनकम, दूसरा इनकम होता है दोस्तों आपका टीम इनकम, और तीसरा इनकम होता है आपको हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम, और चौथा इनकम होता है दोस्तों आपको कॉन्टेस्ट इनकम। ये चार तरह के इनकम है जिसमें कि एक इनकम सिर्फ डायरेक्ट जो बिजनेस करेंगे उसके ऊपर जाएगा, बाकी ये सारा बिजनेस आपके पूरे टीम के किए हुए काम के ऊपर भी आपको जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अगर आपकी पूरी टीम का इनकम 5,00,000 रुपए का रहा तो आपको 6% एडिशनल जाएगा, आपकी पूरी टीम के इनकम अगर 10,00,000 रुपए का रहता है तो आपको 15% का जाएगा, और 10,00,000 से ऊपर जहां तक भी आपका टीम का इनकम रहता है वो 16% जाएगा। दोस्तों जो भी पेमेंट आपको जाएगा उसमें 10% का आपका टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स रहेगा, वो टैक्स कट करके ही जाएगा, और जो हम आपसे फीस ले रहे हैं 1,000+ जीएसटी वो भी विद जीएसटी हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में, कंपनी के टर्मोलॉजी के हिसाब से हम कोई भी ऐसे फंड और पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जिसके ऊपर हम टीडीएस या टैक्सेशन नहीं करते हो। दूसरी बात है दोस्तों हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम, हॉस्पिटल जितना भी आपने पूरे भारतवर्ष में जुड़वा दिया है, आप थोड़ा दूर के सोच के चले, ये मत सोचिए कि हम किसी खास एक शहर में, एक स्टेट में ही काम करेंगे, पूरा भारतवर्ष आपका है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की नीति पे हम काम कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप पूरे भारत में ही नहीं, हम तो कह रहे हैं दिल्ली से, इंडिया से बाहर, आप वर्ल्ड वाइज इस काम को आगे बढ़ाइए, पूरी दुनिया आपकी है और दुनिया आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों इसी बात के साथ में अगर आप देखते हैं कि जो भी हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम रहता है 2,00,000 से लेके 5,00,000 से कम तक 2% का आपका टोटल नेट प्रॉफिट इनकम जो हॉस्पिटल से इनकम कराया आया रहेगा उसके ऊपर आपको जाएगा, और वो पूरा के पूरा आपके टीम के द्वारा किए गए काम, पूरे भारत वर्ष के आपके कंपनी के टीम के द्वारा किए गए सभी पेशेंट के रेफरल पेमेंट के ऊपर आपको मिलने वाला है। तो एक जबरदस्त इनकम का साधन है दोस्तों। इसी के साथ में अगर 5,00,000 से ज्यादा और 10,00,000 से कम रहता है तो 3% पूरा प्रॉफिट शेयरिंग करी जाएगी, 10,00,000 से ज्यादा और 20,00,000 से कम पे 4% का, 20,00,000 से ज्यादा और 50,00,000 से कम पे 5% का, और 50,00,000 से ज्यादा 1 करोड़ तक 6% का, और 1 करोड़ से ऊपर जो भी आएगा उस पे भी आपको 6% का मैक्सिमम स्लैब रहेगा टोटल नेट प्रॉफिट इनकम के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच चुकी थी, आगे की ये जानकारी रही। दोस्तों आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों के बारे में हमने आपको जानकारी आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। बहुत जल्दी नए ऑफिस का उद्घाटन में हम आप सभी मित्रों का, जो कॉर्पोरेट ऑफिस खुलने वाली है उसमें हम उद्घाटन के लिए आप सभी मित्रों को निमंत्रण पत्र भेजने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो कमीशन स्लैब है मैं वो एक बार दिखा देता हूं, इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें दो तरह के आपका
हॉस्पिटल पार्टनर है, एक हॉस्पिटल पार्टनर है जिसकी आगे आपको लिखा रहेगा पीपी पीपी, यहां गौर करेंगे दोस्तों, और कुछ आपको हॉस्पिटल के आगे पीपी नहीं लिखा रहेगा, तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि जो पीपी का डिफिनेशन है वो प्रीफर्ड पार्टनर है। प्रीफर्ड पार्टनर का मतलब है कि उस हॉस्पिटल के द्वारा जो भी पेमेंट रिसीव करा गया है, चाहे वो कैश का पेशेंट हो, टीपीए का पेशेंट हो, जिप्सा का पेशेंट हो या पैनल का पेशेंट हो, जो भी पेमेंट हॉस्पिटल के द्वारा रिसीव करा गया है उसमें से सिर्फ मेडिसिन माइनस करके बाकी जो अमाउंट बचता है उस पर एट द रेट आप जो लिखा हुआ है वो परसेंटेज आपको मिल जाएगा, माइनस टीडीएस रहेगा दोस्तों। और जो नॉन प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आपका मेडिसिन, इम्प्लांट, स्टेंट, वॉल्व मेकर, पेस मेकर, कंज्यूमेबल, प्रोफेशनल फीस, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, कंसल्टेशन चार्जेस, लैब एंड ब्लड का काटने के बाद में जो बचता है उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज जाएगा, उसके ऊपर आपको फीस जाएगा, कमीशन जाएगा, और जो भी जाएगा दोनों मोड में आपका टीडीएस कटेगा दोस्तों, ये रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई पेशेंट भेज रहे होते हैं उससे पहले एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको भेजना होगा कम से कम एक घंटा पहले, और अगर रात्रि में है कोई इमरजेंसी में है तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय ले, क्योंकि रात में कई बार टीम से कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला रहेगा पेशेंट का नाम, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसको तकलीफ किस टाइप की है, मान लेते हैं बुखार है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हार्ट अटैक है, बाईपास जारी है, पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो जो भी प्रॉब्लम आपके जानकारी में है वो प्रॉब्लम लिख दीजिए। आगे पॉइंट नंबर 3 में लिखना है टाइप ऑफ पेमेंट, जो पेशेंट आप रेफर कर रहे हैं उसका पेमेंट कैसे होगा, कैसे होगा, टीपीए से होगा, अगर टीपीए है तो टीपीए का नाम मेंशन कर दीजिए, अगर कस्टमर का या जो पेशेंट अटेंडेंट जा रहा है उनके साथ में उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो इस पे डाल दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हॉस्पिटल की टीम भी उनसे कोऑर्डिनेट करने लग जाएगी कि उनको आने में और जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, किसी तरह की एम्बुलेंस की जरूरत तो नहीं है, कोई ऐसा इमरजेंसी केसेस तो नहीं है जहां पे उनको घर पे एम्बुलेंस भेजने की जरूरत है, ऐसी फैसिलिटी भी हम लोग कर रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करके। इसके साथ में अगर पेशेंट का आपके पास एड्रेस है तो वो भी इस इंफॉर्मेशन में डाल दीजिए, एज ऑफ पेशेंट, अप्रोक्सीमेट आप एज ऑफ पेशेंट डाल सकते हैं, जेंडर डाल दीजिए कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आप डाल दीजिए, आप किस हॉस्पिटल में उनको रेफर कर रहे हैं, नेम ऑफ हॉस्पिटल या किस लैब में भेज रहे हैं या किस नर्सिंग होम भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है, सिटी ऑफ हॉस्पिटल किस शहर में है वो और किस टाइम आपके पेशेंट जाएंगे, और साथ सबसे लास्ट में देना है आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर। ये दोस्तों ये आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से आपको शेयर करना है और कम से कम एक घंटा पहले आपको इस चीज की जानकारी देनी है। जो मित्र पहली बार हमारे इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए अपडेट कर दूं कि हमारे साथ जुड़ने के लिए एक एक छोटा सा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, इसके साथ में आपको KYC कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप हमें फीस पे कर सकते हैं, फीस आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट ट्रांसफर के द्वारा कर सकते हैं, जो 1000 प्लस GST रहेगा दोस्तों, या इस स्कैन बार को भी कॉपी करके आप स्कैन करके आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी और संक्षिप्त जानकारी थी हमारे द्वारा। अगर किसी मित्र के मन में कुछ और सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके हमसे पूछ लें। इसी बीच में स्क्रीन जो शेयर किए हैं, अपना स्क्रीन जो शेयर किए थे हमने बंद कर दिया है, तो आप मित्रों से निवेदन है कि किसी मित्र के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं तो कृपा करके पूछ लिया जाए। जी दोस्तों, सर नमस्ते। नमस्कार, मैं श्योपुर से तौफिक आलम। हाँ तौफिक भाई, सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और कितना 1180 रुपए फीस पे करना है ना सर? जी जी तौफिक भाई, लेकिन इसमें सर मेरा एक सजेशन था कि ये सब बहुत अच्छा मैंने आपसे सुना है और देख रहा हूँ दो तीन ज्वाइन करके कि जितने पार्टनर्स हों अगर उनके टाई अप करें कि वो या उनकी सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ दोस्त, मैं मेरी गहराई से सुन रहा हूँ। जी सर, जितने पार्टनर्स हैं अपने हॉस्पिटल वाला के, जो भी पार्टनर्स बनेंगे ऐसे हम लोग, तो उनकी फैमिली के लोग अगर हॉस्पिटल में कहीं जाते हैं ट्रीटमेंट किए तो उनको कुछ डिस्काउंट मिल सके, ऐसा अगर कुछ हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट ग्रेट तौफिक भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में हमने
कुछ स्पेशल हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया हुआ है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल वाला मार्केटिंग पार्टनर के लोग हैं, अगर उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पे हमारा पेशेंट रेगुलर जा रहा है, ठीक है सर, रेगुलर जा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करा रहे हैं कि हर 3 महीने में या 6 महीने में हम लोग एक हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा खर्चा हॉस्पिटल, लैब या नर्सिंग होम उठाने के लिए तैयार है। उससे फायदा क्या होता है कि हेल्थ चेकअप में अमूमन आम आदमी भी आ जाएंगे, और जहां से आपके पास एक डाटा बैंक आ जाएगा, और उस डाटा बैंक के द्वारा आप हॉस्पिटल को बिजनेस को तो सेल कर ही पाओगे, इसके अलावा जो बाकी अदर प्रोडक्ट में हम और आप काम कर रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट में हमें सेवा करने का उनका सौभाग्य प्राप्त होगा। तो एक तरह से लीड जनरेशन का एक साउंड प्रूफ सिस्टम हमने तैयार करने की कोशिश करी है। दिल्ली में हम समय समय पर इस तरह का इवेंट करते रहते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने शहर में शुरुआत करिए। इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नॉलेज चाहिए, टाई अप करने कैसे करनी है हॉस्पिटल का, वो सब हमारी टीम बकायदा करेगा और पूरी जानकारी देगा आपको उसको करने के लिए। तो फिर भाई मैं आपको सर, मेरा सवाल ये था सर, शायद समझ नहीं पाया आप। मेरा कहने का मतलब ये था, ये तो अपन अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो अपने पार्टनर्स हैं उनकी फैमिली में अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है या तकलीफ उनको आती है, उनको जरूरत पड़ती है, तो जिस हॉस्पिटल में जाएं वहां उस हॉस्पिटल से उनको इलाज में कुछ डिस्काउंट मिले पार्टनर्स को। बहुत अच्छा पेशेंट जी। टॉपिक भाई मैंने कुछ स्पेशल, देखिए जो आपके पास प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल नेटवर्क जो लगा है ना, उसमें काफी हद तक आपके कंट्रोल में चीजें हैं, चाहे वो बिलिंग हो, को पेमेंट हो, एडमिशन चार्जेज हो, नॉन पेमेंट पेबल चार्जेज हो, ये सब चीजें ना हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग माइनस प्लस कर रहे हैं, और वहां पे आपकी हमारी चलती है। जो प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल है वो आपकी बात भी मान लेते हैं और हमारी बात भी मान रहे हैं काफी हद तक, तो वो तो रहेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप ध्यान रखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं चाह क्या रहा हूं। हम आप दोस्तों को आपके अपने शहर में ही पूरे भारतवर्ष में जो भी हॉस्पिटल है उसका हम आपको एक तरह से जिम्मेवार मालिक बनाना चाह रहे हैं। मालिक सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं, मालिक उसका ग्रोथ का भी, मालिक उसके पूरे बिजनेस और अंपायर का। अमूमन देखा गया है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर कम से कम 10 लाख रुपया से 1000 करोड़ तक का एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल के अंदर आपको पार्टनरशिप मिल रही है बगैर कोई पेमेंट कराए हुए, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका ही हॉस्पिटल, आप जैसे चाहे उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। हॉस्पिटल तो आपके लिए पलके बिछाए बैठा है, आप उससे बोलो ना करना क्या, तैयार रहेगा सर आपके लिए। हाँ सर, बस जो हमारा आई कार्ड मिलेगा ना, हम लोग उसको उनको अपना आई कार्ड दिखाएं और उसमें वो जो कर सकते हैं कंसीडर वो कर लें, यही है बस मेरा। जी तौफिक भाई, जैसे ही आपको आई कार्ड और विजिटिंग कार्ड मिल जाता है, आप उस शहर की नहीं, आप पूरे एरिया का प्रतिनिधि होते हैं, आपके हाथ में पूरा कुछ होता है, बिजनेस पूरा आपके रूट से ही चलने वाला होता है, वो हॉस्पिटल आपके साथ में ही फेस टू फेस बात करेगा। वो कई बार तो हमको और आप हमें तो जाने का भी नहीं कभी, वो लोग वो तो सब कुछ आप ही रहोगे और आपके हाथ में ही सब कुछ होने वाला है। आप जैसे चाहे हॉस्पिटल के साथ में बातचीत करके टाई अप करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं तौफिक भाई। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद तौफिक भाई। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? हेलो जी सर, नीरज बात कर रहा हूँ, नीरज सर जी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अपने अंडर में सर एजेंट रख के काम करा सकता है, जैसे मैं मतलब प्रीफर्ड पार्टनर बनता हूँ है ना, अपने अंडर में कोई लड़के रखाता हूँ, अगर वो जो वर्क करता है उसका भी कमीशन हमको मिलेगा या हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज जी, आप किस सिटी से हैं? मैं सर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं सनी साहब, आप कैसा कर सकते हैं? हमने बोला ना कि आप हमारे साथ में दो तरह से पार्टनर बन सकते हैं आप लोग। एक तो आप रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर बन सकते हैं और दूसरा आप जनरल मार्केटिंग पार्टनर बन सकते हैं। जो रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर हैं उनको हम 9 बेनिफिट दे रहे हैं जो हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया है। और उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी जो होगी हमारी अकाउंट्स टीम संभालेगी।
ठीक है सर, उन लोग का जो कमीशन डिसाइड होगा वो क्या रहेगा, मतलब जो उन लोग को मिलेगा? जो हमने आपको चार्ट भेजा हुआ है, जो कमीशन है वो जनरल कमीशन चार्ट है के लिए और हमारे दोनों के लिए लागू रहेगा। ठीक है ठीक है, उनके कमीशन के ऊपर ओवरराइडिंग आपको मिलने वाला है। ठीक है ठीक है, समझ गया। और ओवरराइडिंग किस पे कितना परसेंटेज है अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा से पेज खोल के आपको दिखा सकता हूँ। एक बार बता देंगे सर जी, क्या मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ? आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला था एक, देख लीजिए एक आपका एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में मान लेते हैं इसका नाम है जय हिंद हॉस्पिटल, जो कानपुर नगर में है, कानपुर सिटी के अंदर यूपी में है। यहाँ पे 30% का आपका स्लैब है, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपका नहीं, आपका मतलब हमारे लिए, आपके लिए और आपके पूरी टीम सबके लिए 30% का ही स्लैब है, ठीक है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है सर। ठीक है चाहे हम पेशेंट भेजे हमको भी 30% मिलेगा, आप भेजे आपको भी 30% मिलेगा, और आपके टीम के मेंबर भेजे उसको भी 30% ही मिलेगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जी जी, आपको ए मिलने वाला है। आप यहाँ पे इस पेज पे मैं कुछ गलत कर लिया, जी मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, बाकी मित्र भी समझ लें। ये देखिए आपको मिलेगा, देखिए जो आपके मार्केटिंग जो आपके साथ में पार्टनर जुड़ेंगे उनको सब कुछ आपके वाला फॉर्म रहेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी उसी तरह से करनी पड़ेगी, लेकिन वो आगे टीम नहीं बना पाएंगे, टीम सिर्फ आप डेवलप कर पाओगे। हॉस्पिटल नेटवर्किंग चाहे आपकी टीम करेगी वो आपकी हॉस्पिटल नेटवर्किंग कहलाएगी, और जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा कुछ इस तरह से होगा। अगर आपके टीम में मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे सैनी साहब, आपके टीम में 10 मेंबर हैं, 10 पार्टनर हैं आपके, आप सुन पा रहे हैं नीरज भाई साहब? हाँ सुन रहा हूँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपके टीम में 10 लोग हैं और 10 दोस्तों ने मिलकर के 1,00,000 रुपए का इनकम किया, ठीक, तो आपका अपना जो इनकम होगा वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। आपके पार्टनर को 1,00,000 गया तो उसपे 1% आपको यहाँ अलग जाने वाला है, यानी 1,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, और अगर आपके सारे पार्टनर मिल करके चाहे वो छिंदवाड़ा में हो, भोपाल में हो, ग्वालियर में हो, किसी और भारतवर्ष के किसी भी सिटी में हो, टोटल मिलकर के अगर 10,00,000 रुपये का इनकम किया तो आपको 15% जाने वाला है, यानी कि 1,50,000 रुपये आपको जाएगा। ये आपके अपने डायरेक्ट पेशेंट इनकम के अलावा रहेगा, डायरेक्ट इनकम के अलावा रहेगा, ठीक है नीरज भाई साहब? नीरज जी सर, जी 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 बिल्कुल सर, समझ गया हूँ। और तीसरा रहेगा, बिल्कुल समझ गया, तीसरा रहेगा आपका हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। कोई जरूरी नहीं कि पूरे भारतवर्ष में हॉस्पिटल को, लैब को, नर्सिंग होम को आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है और एग्रीमेंट कराना है, आपकी टीम लग के पूरा काम करेगी और उसका जो ओवरराइडिंग होगा आपको जाएगा, क्योंकि वो टीम आपका है। अच्छा, और चौथा इनकम है कि जो कॉन्टेस्ट हमने बोला, कॉन्टेस्ट जो भी टीम काम करेगी पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट इनकम हम आपको देने वाले, आपको टीम के लिए कोई कॉन्टेस्ट इनकम नहीं है इसमें। अगर भविष्य में हम लोग कुछ निकालेंगे तो आपसे सलाह मशवरा लेके निकालेंगे। अच्छा ठीक है सर, जो कॉन्टेस्ट का जो भी रहेगा मतलब वो हमको बेनिफिट रहेगा ना, मतलब टीम टीम जो काम करेगा, चाहे आपके पूरे टीम ने मिल करके 100 किया हो, 50 किया हो, 500 किया है, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, सिर्फ आपको मिलने वाला है। अच्छा ठीक, ओके सर। ये जो पीपीटी है सर, आप शेयर कर सकते हैं सर, मतलब या मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, सारा चीजें कर देते हैं आपको। जिस नंबर से भी मैसेज गया है आज के कार्यक्रम के लिए, आप उसी नंबर पे लिख दीजिए कि हमें पीपीटी चाहिए, या आपको हॉस्पिटल चाहिए, या आपको कॉन्टेस्ट चाहिए, जो जो चीज चाहिए आप उनको लिख दीजिए, जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है वो सब भेज देंगे, और उनको भेजने में प्रसन्नता होगी सर। ठीक है ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई साहब जुड़ने के लिए और इतना शानदार क्वेश्चन पूछने के लिए। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, जैसे मैं सूरत गुजरात से ही हूँ। अच्छा, आप सूरत गुजरात जी। सूरत में तो इतना कोई, हाँ जी, हॉस्पिटल तो है ही नहीं है सूरत का कोई, बिल्कुल तो यहाँ पे कैसे उसको जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब भी हम कहीं किसी सिटी में हॉस्पिटल को लेकर के आते हैं ना, तो हॉस्पिटल हमसे सबसे पहले पूछती है कि आप हमारे सिटीज में बिजनेस कैसे लाओगे, किनके द्वारा लाओगे। क्योंकि सूरत में अभी हमारी टीम नहीं है, इसलिए हम हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं लेके आ रहे हैं। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पे बन जाएगी, आप जुड़ जाते हो एज ए टीम लीडर, तो निश्चित तौर पे हम और आप दोनों मिल करके वहाँ पे हॉस्पिटल भी लाएंगे और आपको टीम को बढ़ने और बढ़ाने और सिखाने, पढ़ाने, समझाने और आगे बिजनेस को ग्रो कराने में हमारी मार्केटिंग टीम आपके साथ में लगी रहेगी। ये रहेगा सर। बात तो सही है कि आने वाले हैं, लेकिन अभी किसी को आपने कोई अभी जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं, जैसे लाएंगे तो उनको क्या दिखाएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है कि ये है वो है, ऐसा कोई आपने बता भी तो सकते हैं, तो भी तो वो अपने ऊपर बिलीव करेंगे, नहीं तो अपने ऊपर क्यों वो बिलीव करेंगे कि आप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। सबसे पहले उनका जो बिलीव करने का सिस्टम होगा वो हॉस्पिटल वाला .com के ऊपर बाद में होगा, पहले आपके ऊपर होगा उनका। और आपको पहले हॉस्पिटल की बिजनेस पॉलिसी, हॉस्पिटल वाला .com के बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस करने का तरीका और बिजनेस करने के सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि आपके 1,000 रुपये लेने से 18% GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है, 1,000 लेने से हमारा और आपका कुछ बड़ा और नुकसान और प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हमारा आपका बड़ा प्रॉफिट तभी होने वाला है जब हम लोग जुड़ करके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस को और काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं फिर से एग्जांपल वही दूंगा कि जब हमारे पास हॉस्पिटल ही नहीं है तो हम वहाँ पर टीम कैसे बनाएं, और हमारे वहाँ पर टीम नहीं है तो हम हॉस्पिटल कैसे लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक है, ये दोनों बराबर है। आप पहले जुड़िए, ज्वाइन करिए, इमीडिएट हम और आप मिलकर के वहां पे हॉस्पिटल लाएंगे। हॉस्पिटल लाने में हमारी टीम जो 2 लोगों की टीम है वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक काम करते हैं। और आप बिलीव करें कि जिस सिटी में, जैसे अभी कुछ सिटी में हमारे नए पार्टनर पिछले हफ्ते में जुड़े हैं, 5 से 10 हॉस्पिटल से कन्वर्सेशन हो रही है, 2-4-5 दिन लगती है उनको सारा फाइनलाइज करने में, क्योंकि लीगल और लीगलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो जैसे ही हो जाएगा आपको डिस्क्लोजर मिल जाएगा और आपको लिस्ट भी मिल जाएगा, और आपके शहर में कोई भी होगा तो सबसे पहले सूचना आपको दे दी जाएगी कि आपके हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल को MOU साइन आपका हो गया है। ये रहता है दोस्त। जी, आगे कोई क्वेश्चन किसी मित्र का है? हेलो जी, हाँ जी, तिवारी सर, ये बताइए इशार में अपनी टीम है अभी ऑलरेडी कोई ज्वाइंट है? सर, मेरे ना जानकारी में तो हिसार में नहीं है। तो जो इशार के 2-4 हॉस्पिटल हैं वो किसने ज्वाइन कराया सर? ओ सर, हमारे डायरेक्ट टीम ने ज्वाइन करी हुई है। डायरेक्ट टीम ने? हाँ, उसमें क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सोशल मीडिया पे एड चल रहा होता है। हाँ जी, या हमारी एक हॉस्पिटल है, आपको एग्जांपल दे दूं, जिंद में है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। और जिंद वाले जो डॉक्टर साहब है उनका एक हॉस्पिटल हिसार में है, तो उनका कहना है कि जब जिंद का आप MOU साइन हमसे करवा ही रहे हो, आप दिल्ली से हिसार आ रहे हो, तो आप इसका भी एग्रीमेंट बना के लेते हो, उसको भी पैनल पे लाओ, तो इस तरह से हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो सोशल मीडिया का वाला पार्ट जो है वहां से ऑनलाइन भी हम लोग हॉस्पिटल को पैनलमेंट करके इमीडिएट काम करना शुरू कर देते हैं। और यही चीजें देखेंगे कि आपका हिसार में भी है और हरियाणा के कई छोटे बड़े शहर में हमारे टीम नहीं होने के बावजूद भी हॉस्पिटल है। और उसका सबसे बड़ा वजह है ना कि हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के साथ में नॉर्थ इंडिया के जो भी स्टेट है, खासतौर पर जो हिंदी भाषी स्टेट है, वहां पे हमें काम करने में आसानी है और आसानी लग रही है। थोड़ा सा दूर जाके दूसरी भाषा में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों। यह दिनेश भाई साहब, और आप जुड़िए, मुझे पूरा विश्वास है कि हिसार एक बहुत तेजी से उभरता हुआ शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हरियाणा का, और हिसार के साथ में आसपास का जो छोटे बड़े शहर है वो भी हम आपको पकड़वा के देने वाले मतलब वहां पर हम कल ज्वाइन कर लेते हैं सर। वहां पर हम आपको टीम भी बना के देंगे और हॉस्पिटल भी देंगे, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में आपके जैसे दोस्त नहीं होंगे, हमारे बाजू वहां पे 4-10-20 नहीं खड़ा होगा, हम मजबूत नहीं हो पाएंगे सर। हमारी भी एक लिमिटेशन है। अब दिल्ली NCR में ना सर, आप जिस हॉस्पिटल को बोले ना वो काम करने के लिए तैयार है, उसको मालूम है कि कोई हॉस्पिटल वाला .com है, लेकिन
हिसार में नहीं है तो, और बाकी जो एक भाई साहब अभी गुजरात थे, सूरत से भाई साहब थे, उनका वाजिब था कि हम अपने टीम को क्या बोलेंगे। देखिए आप टीम लीडर हैं, आपको डिसीजन उनके अपने टीम के मेंबर से पहले लेना पड़ेगा। अगर आप पहले नहीं लोगे तो कल होके आप उनके टीम में जाके जुड़ोगे और जुड़ोगे सर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने काफी मेहनत करके, काफी सोच के, समझ के, विचार के अपने भाइयों के लिए लेके आया है, अपने बिरादरी के लिए लेके आया है, अपने दोस्तों के लिए लेकर के आया है, जहां पे सेवा के साथ में मेवा प्राप्त करने का भरपूर मौका मिलता है। इसमें टाइम कितना लगता है ज्वाइनिंग में सर? आप जैसे ही पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे 5 से 7 दिन के अंदर, हफ्ता दिन पकड़ लीजिए, हफ्ता दिन में आपको डिजिटली आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह मिल जाता है, और 15 दिन में आपके आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड आप तक पहुंच भी जाएंगे 15-20 दिन के अंदर अंदर में। उसके जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाता है तो हमारी एक टीम काम करना शुरू कर देती है कि जिस शहर में नए पार्टनर जुड़े, नए टीम लीडर जुड़े हैं, उस शहर में हम हॉस्पिटल के साथ में कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्द एमओ साइन हो जाए वो हम करा के देते हैं। आप ये मान के चले कि महीने से 15 दिन में आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपके शहर में कम से कम 2-4-5 हॉस्पिटल तो मिल ही जाएंगे जिसके ऊपर आप बढ़िया काम कर पाए। नहीं, 2-4 हॉस्पिटल तो ज्वाइन ही करवा देंगे सर अपने नॉन के, ये तो और भी अच्छा, यही तो हम चाह रहे हैं। और हम क्या चाह रहे हैं, हमारा सोच क्या है कि अगर मैं दिल्ली में रह के हिसार में काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब हम और आप एक सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सूरत में काम कर रहे हैं तो हम लोग एक सोच के साथ में काम कर रहे हैं और करें। कोई लिमिट भी है क्या सर? जी कोई लिमिट है भाई, कितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है, बस एक एमबीबीएस डॉक्टर, जी एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है उनके पास में। जिस स्टेट में भी, जिस शहर में भी हम लोग हॉस्पिटल को टाई अप करें, कम से कम बेसिक पैरामीटर उनके पास गवर्नमेंट की लाइसेंस होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल का, कोई इनलीगल हॉस्पिटल नहीं हो जिसके ऊपर कोई केस और इस तरह की फर्जरी का केस हमारे और आपके ऊपर किसी न किसी रूप में लीगलिटी आ जाए, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस हॉस्पिटल का, बस इस बात का ध्यान रख लीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई सवाल पूछने के लिए और इतने अच्छे मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए। तौफीक भाई कुछ क्वेश्चन है आपका, प्लीज पूछा जाए। तौफीक भाई साहब जी। सर जी हेलो, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस सिटी से मैं ज्वाइन हुआ और उसके बाद कोई और आकर के डायरेक्ट अपनी मार्केटिंग टीम से सोशल मीडिया के जरिए ज्वाइन होता है तो वो क्या हमारी टीम में आएगा, उसके लीडर हम ही रहेंगे क्योंकि पहले हम ज्वाइन हो चुके हैं, ऐसा होने पर क्या होगा? जी जी तौफीक भाई, मैं अभी कोई इस तरह की कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं आपको कि आपके शहर में आपके अलावा कोई दूसरा टीम नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा अगर अपने लोग आज से ही शुरू कर दिए ना, तो हम लोग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस लिमिटेड रह जाएगी। आप बिलीव करेंगे कई स्टेट से आज के प्रोग्राम में भी कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं, कुछ स्टेट का एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट चाहते हैं हमारे द्वारा और हम उनको चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आज ही हाथ पूरी तरह ना बांध नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए तौफीक भाई पूरे निडरता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में आप जुड़ के रहिए और हम और आप मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और पूरा शहर ही नहीं पूरा भारत आपका है और पूरी भारत में आपकी टीम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी होगी, हॉस्पिटल नेटवर्क भी होगा और पूरी टीम के साथ में काम करेंगे। इसलिए इस बंधन से हम लोग एक दूसरे को मुक्त करें कि आप हॉस्पिटल वाला के साथ में जुड़ गए हैं तो किसी और प्लेटफॉर्म के साथ में आप नहीं जुड़ सकते और आप तौफीक भाई को पार्टनर बना लिए हैं एक खास सिटी के लिए तो उस सिटी में या उस स्टेट में किसी और को नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के हमें छोटे मापदंड को छोड़ करके एक बड़े स्केल पे सोचना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तौफीक आलम भाई सर। ब्रजेश शुक्ला जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। ब्रजेश शुक्ला जी जी सर, मैं एक जानना चाह रहा था कि मान लीजिए मैं टीम लीडर बन जाता हूँ और उसी बेस पे मैं और कुछ लोगों को ज्वाइन कराता हूँ 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन पे, तो उसमें भी कुछ हमें रहेगा और हम वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? ब्रजेश भाई साहब आप किस सिटी से हैं? मैं एमपी से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जो टोपी पहन रखा है, बुरा मत मानिएगा, ये टोपी आम आदमी वाली टोपी लग रही है हमें, क्या है इसके पीछे राज? ब्रजेश भाई सब प्रकट हो गया, ये जो टोपी पहना है ये तो हिमाचल में लोग पहनते हैं पहाड़ में। टोपी चेंज होती रहती है सर, पहनने पहनाने का काम नहीं, पहनने का काम है अपना। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ब्रजेश भाई, जो हम आपसे 1000 रुपया फीस चार्ज कर रहे हैं ना,
1,000 रुपया प्लस जीएसटी है, तो 18% तो आपके हमारे पॉकेट में नहीं आता, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है जीएसटी में। बाकी 1,000 रुपया में ना आप बिलीव करिएगा अपना कोई शेयरिंग नहीं है, आपको हम कोई शेयरिंग उसमें से नहीं देने वाले हैं, वो एक्चुअल आपका एक्सपेंस है। मैं बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले एक आपका आई कार्ड बनता है जो गले में टांगने वाला आता है, 1,000 विजिटिंग कार्ड बनता है, इसका दोनों को आपको आपके घर तक बाय कुरियर बाय पोस्ट या जिस तरह से पहुंचाने का खर्चा होता है, एक्चुअल खर्चा हम आपको दे रहे हैं, इसमें कोई पैसे ना तो बचा रहे हैं ना सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आपका मकसद 150 रुपये वाला नहीं है, हमारा आपका मकसद लाख और करोड़ों वाला है। तो उस तरफ बढ़ने के लिए ना छोटे छोटे चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा ब्रजेश भाई साहब, तो आप छोड़िए और आगे बढ़िए और अच्छे रास्ते में चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सफलता हम सबकी चरण चुमेगी। नहीं पर ज्वाइन तो करवा सकते ना उन लोगों को, 1,100 रुपये से। हाँ बिल्कुल करा, तो हमारी टीम में आपके टीम में रहेंगे, उनका जो आई कार्ड जाएगा उसके ऊपर टीम लीडर में आपका आई कार्ड और मोबाइल नंबर, आपका नाम और मोबाइल नंबर रहेगा, उनका जो विजिटिंग कार्ड जाएगा उसके ऊपर आपका नाम और मोबाइल नंबर रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजेश रजनीश भाई से, अगर कोई सैंपल है तो एक बार मुझे दीजिए, मैं यहाँ मित्रों को दिखा पाऊँ कि टीम लीडर का जो आई कार्ड और विजिटिंग कार्ड होता है और उनके मेंबर का होता है कैसा होता है, एक बार दिखा पाऊँ मैं भाई सबको, अगर अभी अवेलेबल है तो भेज दीजिए, अदरवाइज जिन मित्रों के भी क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार रेफरेंस के तौर पे जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारी टीम के द्वारा। जी जी, मैं सर एक जानकारी और चाह रहा था कि वो टीम उनकी बनेगी, वो भी फिर क्या हमें उसका लाभ मिलेगा उनके कमीशन का? दोबारा क्वेश्चन पूछिए। जैसे मैंने किसी टीम लीडर को ज्वाइन करवा दिया, नहीं उसकी भी टीम बनती है? नहीं, टीम लीडर को ज्वाइन नहीं कराया, टीम लीडर आप होंगे। उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अकाउंटिंग हम लोग करके देने वाले हैं, उसका जो भी ओवरराइडिंग बिजनेस बनेगा वो सब हम लोग देने वाले हैं, और आपको अगर बगैर फीस का कोई टीम बनाना है तो आप अपने लेवल पे बनाओ, उनसे KYC लेके अपने पास रखो, उनका बिजनेस आप अपने नाम पे अपने कोड में बुक करो और जो भी पेमेंट बनता है आप अपने अकाउंट्स पे लो, तो ये रहेगा। लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर बनाओगे तो उसका फायदा क्या रहेगा कि हम उनको विजिटिंग कार्ड भी देंगे, आई कार्ड भी देंगे, तो इससे ना उनकी ब्रांडिंग होगी, वो आपके लिए आपके बिहाफ पे वो किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, लैब में, किसी दोस्त मित्र सखा संबंधी के पास में जाकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और उनको बताते और समझाते और काम करते हुए गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी ये भावना है हमारा कि हम आपके नीचे जो टीम बना रहे हैं उनको रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर बोल रहे हैं। जी पर उनका सर कमीशन स्लिप से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें? शुक्ला साहब आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा था कि उनका कमीशन स्लैब में हमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं स्ट्रक्चर? नहीं मिलेगा ना, वो तो आपको हमने अभी दिखाया ना, अभी एक मित्र का क्वेश्चन भी था, हमने जी आपको दिखाया, तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक 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 ठीक, क्योंकि आप पहले जुड़ रहे हो और आप एज ए टीम लीडर जुड़ रहे हो। देखो क्या है, आप रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर वाला ही सारा फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, लेकिन हम आपको टीम लीडर बना रहे हैं, आप जो दे रहे हो ना हम एक स्टेप ऊपर लेके आ रहे हैं सर आपको। ठीक है, और हम कह रहे हैं वो आगे बढ़ाता है फिर कुछ? नहीं सर अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। नहीं टीम लीडर मतलब हमारे बात तो टीम लीडर नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अच्छा ओके, और अगर किसी को टीम लीडर बनाते हो जो आपके टीम में ही है तो उसके लिए आपको NOC दे करके उसको टीम लीडर बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके टीम मेंबर ही रहेंगे, उस पैन कार्ड पे उस KYC पे हम बगैर आपके आज्ञा का कोई उसको किसी भी हालात में टीम लीडर नहीं बनाएंगे, चाहे हम बिजनेस छोड़ देते हो। ठीक 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 ठीक, क्योंकि वो टीम आपकी है, वो काम आपका है, वो बिजनेस आपके है, उसका सोर्स आप हो सर, आपके साथ कोई ना हिसाब ही नहीं, आप हैं तो हम हैं। बिल्कुल थैंक यू सर। मेरा सवाल सर आप कहाँ से हैं MP में? मैं MP इंदौर के नियरेस्ट एक लोकल विलेज से हूँ। तो ओके थैंक यू।
तौफिक भाई एमपी वालों का बहुत बोलबाला है भाई साहब, एमपी वाले ने तो बहुत तालका मचा रहा है, पूरा सोशल मीडिया एमपी से भरा हुआ है, कई सारे महाराजी वहां पे प्रकट हुए हैं, कई भगवान प्रकट हो रहे हैं, कई नेता और अभिनेता प्रकट हो रहे हैं। हमारे बीच में प्रकट हो रहे हैं अभिषेक वर्मा जी भोपाल से। जी वर्मा जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के लिए टीपी देती है, अगर हम उनको रेफर करते हैं अपने थ्रू हॉस्पिटल में तो उस कंडीशन में क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो मुख्य रूप से दो तरह की स्कीम होती है, एक होती CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे दिल्ली में मैं हूँ तो DGHS है, यूपी में UPHS है, हरियाणा में HS है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जब आप हॉस्पिटल से MOU साइन कराते हैं तो उसमें वो बात क्लियर कर लेना है कि जो आप ब्रोकरेज का स्लैब हमें देने वाले हो वो आप कैश पे कितना दे रहे हो, TPA पे कितना दे रहे हो, जिप्सा पे कितना दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के जो इम्प्लाई आएंगे उस पर कितना दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लाई पे कितना दे रहे हो। तो कई हॉस्पिटल तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक ही फिक्स कर लेगा और कुछ हॉस्पिटल बोलेगा कि नहीं आप जो सिर्फ कैश और TPA का पेशेंट दो, मुझे CGHS और DGHS में, क्योंकि उसका रेट बहुत कम होता है तो उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। और हमने टाई अप कराया हुआ है सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं जहां पे हमने उस पर भी लिया हुआ, लेकिन ब्रोकरेज कम है, फीस 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से हॉस्पिटल देती है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ये आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, इस पे भी बहुत बड़े हॉस्पिटल्स भी इलाज कर रहे हैं और बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम, हमारा कोई पेशेंट होता है हम उसको रेफर करते हैं और वो आयुष्मान से ट्रीटमेंट लेता है तो क्या वो कंसीडर होगा हमारे उस पे? बिल्कुल कंसीडर होगा, बसरते बस ये देखना होगा कि जो आपका MOU साइन हुआ है उस हॉस्पिटल का, मैं पहले वाला बात आंसर इसमें भी रहेगा, अगर उसमें MOU में सिर्फ प्राइवेट और जिप्सा का ही है या बाकी CGHS, DGHS और आयुष्मान भारत वाला भी है, इसके अलावा कई और गवर्नमेंट है, जैसे यूपी में यूपी पुलिस है, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली पुलिस है, MCD है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इस तरह के जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक पैनल होता है। तो सभी पैनल के लिए आपको अलग अलग जब एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। कुछ हॉस्पिटल ये हमें हॉस्पिटल से क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, आपको MOU कराते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी पेशेंट को भेजेंगे उस पे आप 1% दे रहे हैं या आप स्पेसिफिक कैश पे अलग देगा। मैंने बोला ना कैश का अलग होगा, TPA का अलग होगा, जिप्सा का अलग होगा, पैनल का अलग होगा, DGHS, CGHS का अलग अलग होगा, स्वतंत्र इसे आयुष्मान भारत का अलग होगा। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा MOU करते और करवाते समय। तो सर ये परसेंटेज हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि हम आपका अपना हॉस्पिटल, आप और आपका हॉस्पिटल नहीं, जब हम हॉस्पिटल टाई अप करेंगे तो हमारा जो कमीशन स्लैब का जो परसेंटेज होगा तो क्या हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि इस चीज पे हम देंगे या हम डिसाइड करेंगे? बार्गेन होता है, आप उनसे बोलेंगे ना कि मुझे 40% चाहिए तो बोलेंगे नहीं 40% तो बहुत ज्यादा है, हम तो यहाँ पे डॉक्टर साहब लोगों को 20% देते हैं। फिर उनको बोलना पड़ेगा कि हमारी सर्विसेज कितना, हम कितना अच्छा उनको बिजनेस वॉल्यूम दे सकते हैं, कितना बेहतर हमारा ट्रीटमेंट स्टाइल रहता है, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आएगा मैक्सिमम कैश का और TPA का पेशेंट आएगा जहाँ पे उनका प्रॉफिट अच्छा होता है। तो ये सब बातें करके कहीं ना कहीं बीच में एक रास्ता निकाल करके होता है, ऐसा रहता है, बार्गेन टीम रहता है। अदरवाइज शुरू शुरू में आपको अकेले नहीं जाना है, अकेले आप बातचीत शुरू करिए, कंसर्न पर्सन का नाम नंबर आप हमारे हम तक पहुंचाइए, हमारी मार्केटिंग टीम उनसे बातचीत करके आगे चर्चा करेगी, शुरुआत करेगी। इस बीच में हमारे पास ना एक राज कपूर भाई साहब है, राज कपूर भाई साहब आपने 2-3 मुझे हॉस्पिटल दिया था जींद से, राज कपूर भाई साहब। हाँ जी सर बताइए। आपने 2-3 हॉस्पिटल मुझे जींद से दिया था लीड के रूप में, उसमें हमारी टीम से बातचीत हुई थी, अपडेट मिल गया था आपको? सर DP जैन सर तो हो गए थे ज्वाइंट मेरे हिसाब से, और इसके अलावा दिल्ली हॉस्पिटल से बातचीत चल रही थी, और इसके अलावा एक हॉस्पिटल से और, तो आज अभी गुलबार जी भाई रोहतक आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, तो टोटल 7-8 हॉस्पिटल है जी की जींद मुझे मिली थी, तो उनके पर वर्किंग चल रही है सर, यानी टाई अप में सिर्फ आ चुके हैं, 2 से 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी सर। जी जी, तो मैं आपसे पूछने का मतलब यही था कि हमारे एक मित्र थे अभिषेक
और बाकी मित्रों को भी समझ में आ जाएगा कि आप हमें लीड दे दीजिए हॉस्पिटल का, हमारी टीम एग्रीमेंट करा के दे देगी और वो जो भी आप लीड दे रहे हो हॉस्पिटल का, जो भी नाम नंबर आप हॉस्पिटल का दे रहे हो, वो हॉस्पिटल आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। यानी कि उस हॉस्पिटल की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कंपनी को, उसके ऊपर भी आपको शेयरिंग किया जाएगा। तो इसलिए अभिषेक वर्मा साहब, आप समझ गए क्वेश्चन को? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें आप और हमारी मार्केटिंग टीम और हॉस्पिटल मिलजुल करके काम करके उसको नतीजे तक लेकर के जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि लीगल और लीगलिटी इसमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पे आपको मध्य प्रदेश में है, आपका कंपनी दिल्ली में है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी रहता है, ट्रस्ट का भी प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आप लोकल होके जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी कंपनी और हम उसका यहाँ पे पूरा मार्केटिंग हमारे हाथ में, हम देखते हैं यहाँ पे, तो पूरा विश्वास के साथ में आपका वेलकम करते हैं। और किसी को आप बिजनेस देने जा रहे हो, वो आपका स्वागत करेगा। आप लेने नहीं जा रहे हो, उसे मांग नहीं रहे हो, आप उसको दे रहे हो। पहले लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख का बिजनेस देने की आप बोलते हो कि हम देंगे आपको, तब जाके वो अपने को कुछ देने वाला है, तो स्वागत करेंगे आपको। आप इस बिजनेस पॉलिसी को और थॉट प्रोसेस को समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग हमेशा देने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, अपने ग्राहकों का है, अपने ग्राहक देवो भव, ये सिद्धांतिक रूप से हम लोगों में कही गई है, सिद्धांतिक बातें हैं। तो उसी हिसाब से हम ग्राहक की सेवा करते हुए किसी न किसी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे तो हम उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं, ये कॉमन सी बात है। और जो भी इनकम है सारा नंबर एक का रहेगा। और कोई क्वेश्चन हो वर्मा साहब आपके? नहीं सर, जो डाउट था वो क्लियर है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और किसी मित्र के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपा करके पूछ लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, मैं शिशुपाल सिंह ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। स्वागत है शिशुपाल जी। सर ग्वालियर में हॉस्पिटल हैं अपने टाइप वाले? हाँ, ग्वालियर में कुछ हॉस्पिटल्स हैं और ये जो भी हॉस्पिटल है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है। बाकी ग्वालियर में हमारी टीम भी शुरुआत करने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्द शुरू करें और आगे बढ़े, ये मंगल कामना है आपके लिए। तो अभी कोई लीडर नहीं है अभी ग्वालियर में? मेरी जानकारी में नहीं है। चलो ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिशुपाल सिंह साहब ग्वालियर से जुड़ने के लिए। और किसी मित्र का क्वेश्चन है कोई? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता था ये जो लीड हॉस्पिटल की देना है, तो उसमें लीड के लिए क्या देना होगा अपने को? तो पहले हमको बात करना पड़ेगी या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर देना? एक बार ना आपको इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना होगा, उनकी केवाईसी और कंप्लायंस जो भी है, फीस वगैरह का जो डिटेल्स है वो आपको पूरा करना होगा। उसके बाद में हमारे द्वारा आपको आपको एक आई कार्ड और बिजली का डिजिटली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने लोकल सिटी में जो भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, लैब है, उनके पास में जाके बातचीत करनी होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है hospitalwala.com, जिसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, या पूरे मार्केटिंग टीम हमारे पास, आप यहाँ पे जिम्मेवारी उठाते हैं, हम यहाँ पे काम देंगे, बिजनेस देंगे, आपके साथ में हम टाइप करना चाहते हैं, जिससे कि हम आपके यहाँ पेशेंट भेजेंगे। उस दौरान आपसे पूछेंगे कि आपका स्लैब क्या है, क्या पेमेंट आप लेते हो। अमूमन हम लोग जो छोटे लैब है वहाँ पे 40% 50% 60% का स्लैब होता है अपना, और जो बड़े लैब है वहाँ पे 30% 28% 25% का होता है। उसी तरह नर्सिंग होम में थोड़ा सा कम है, हॉस्पिटलों में थोड़ा सा कम रहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो हम लोग 1-to-1 फेस टू फेस बात भी कर लेंगे, या फोन पे बात कर लेंगे, हमारे मार्केटिंग टीम आपसे बात कर लेंगे, वो सब हम आपको पूरी गाइड करेंगे। गवर्नमेंट जो बता देता आप डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो क्या वो हमको बताएगा? कुछ हॉस्पिटल के बाहर ना जहाँ पे टीपी का लिस्ट लगा रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि इनके यहाँ आयुष्मान भारत है कि नहीं है, इनके यहाँ सीजीएसएस है कि नहीं है, किस किस डिपार्टमेंट का टीपी और कैशलेस है, तो वो लिस्ट हॉस्पिटल में लगा रहता है। और नहीं है तो पूछ सकते हैं। उसमें क्या रहेगा ना,
आप रहेंगे, आपके यहाँ पे जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो होंगे, हमारे मार्केटिंग वाले लोग होंगे, ये सब आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे, और बाकी हम आपके साथ में है ना, वो सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बस आप जहाँ पे भी अटक रहे हो ना, आप एक बार हमारी टीम से बात करा दीजिए, हमसे कोऑर्डिनेट करा दीजिए, हम लोग कोऑर्डिनेट करा के फाइनल करके आपको पकड़ा देंगे कि सर इसका एमओ आपको हम भेज रहे हैं, साइन करा के आप भेज दें, ऐसा रहेगा सर। ब्रिजेश भाई साहब, जी और कोई क्वेश्चन किसी मित्र के मन में? डॉक्टर साहब तिवारी जी, जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मैं पूछना चाह रहा था एएमओ का फुल फॉर्म क्या है सर? किसका एएमओ बोल रहे ना, वो एक वर्ड एएमओ हॉस्पिटल वाला के बीच में सर, उसको बोलते हैं एमओयू सर। नहीं नहीं इसका कोई टेक मीनिंग तो होता होगा ना सर? वही तिवारी जी पूछ रहे हैं मेंबर। नहीं सर मेमोरेंडम होगा सर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ठीक है डॉक्टर साहब। ये आप दो पार्टी हैं, हॉस्पिटल एक पार्टी है और आपकी कंपनी एक पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में एक एमओ होगा, एक एग्रीमेंट होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही कहते हैं सर। जी जी तो थैंक यू माइसूरी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए आप? हाँ जी सर हो गया डिस्चार्ज, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ग्रेट सर, आप जल्दी स्वस्थ हो और काम पे आ पाए, ऐसे मंगल कामना करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी के बीच में, जो हम और आप मिलके कराते हैं। जी डॉक्टर साहब जी। और इससे फायदा क्या रहता है कि कभी भी डॉक्टर ना हॉस्पिटल पलटी नहीं मारेगा कि हमने ये नहीं बोला, और आप ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं हमने ये कहा था, आपने जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी शब्द हैं, जो भी लीगल और लीगलिटी है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लीजिए, लिखा पढ़ी हो जाएगी तो उससे ना आप मुकरेंगे ना हॉस्पिटल मुकरेगा, वो क्लियरिटी रहेगी सर। और बिजनेस में ना क्लियरिटी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, आप तो खैर हमसे ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा लोगों का दिमाग भी ठीक कर देते हैं आप, इलाज भी कर देते हैं, तो बिजनेस में क्लियरिटी जरूरी है, अगर बिजनेस में क्लियरिटी नहीं होगी ना तो कंफ्यूजन में हम एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रह जाएंगे। हॉस्पिटल डायरेक्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करेगा ना सर? जी बिल्कुल करेगा, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, ऑर्गेनाइजेशन टीम लीडर को करेगी और टीम लीडर नहीं सर के जो नीचे टीम जुड़ी हुई है नहीं को भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट करेगी जी डॉक्टर साहब, यही रहेगा। और जो ओआर है वो टीम लीडर को जाएगा और बाकी टीम को उनका इंसेंटिव? जी बिल्कुल सर। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बना के रखे रहिए, हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे। नहीं बढ़िया है सर एकदम, बहुत जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू सर। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये पूछना था सर, जींद के लिए अपन ने कुछ लोगों से बात की थी सर, कुछ नंबर्स भी मैंने अपनी मार्केटिंग टीम और आपको भी शेयर किए थे सर, तो अभी तक उसको कोई अपडेट मुझे अभी तक नहीं मिला, सिर्फ डॉक्टर डीपी जैन का ही नाम सुनने में आ रहा है सर, जबकि एक लीड तो आप लोगों की तरफ से मिली थी, उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे पता करना है सर। गुलबहार जी एक बार आप वीडियो को बंद करके वॉइस पे आइए और कपूर साहब का आंसर करिए। गुलबहार जी, कपूर साहब मैं जो आपको जींद में देख रहे थे, हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब गुलबहार साहब, मैं उनसे एक बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलबहार जी अगर आप हैं तो एक बार प्रकट हो। सर अभी नहीं है, लेफ्ट हो गए। अच्छा लेफ्ट हो गए। कपूर साहब मैं आपको कल रिप्लाई करवाता हूँ उस पर।
चलिए कोई बात नहीं, ओके सर, थैंक यू सर। मैं नोट कर लिया हूँ, मैं कल रिप्लाई करवाता हूँ। और अच्छी बातचीत चल रही है, और जींद में आप दो तीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास 15 से 16 हॉस्पिटल लैब और नर्सिंग होम का डाटा आ चुका है, बातचीत चल रही है। फर्स्ट स्टेप में बातचीत हो चुकी है, सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल 4 राउंड में होता है, तो फाइनल राउंड में हम आपके पास एमओ बना के भेजेंगे और वो एग्रीमेंट साइन करा के आप हमें भेजते हैं। तो अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जींद में, जींद में अच्छे लोग हैं। और जैन साहब से तो मैंने भी कुछ बात करी थी, तो ठीक है, अच्छे बढ़िया रहेगा। तो सर अभी बड़ी बात चल रही है सर, लैब का एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अभी लोग मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर भेजता है लैब पे, तो क्या हमारे हम लोग जो रेफर करेंगे क्या पेशेंट जाएगा? कपूर साहब क्या होता है कि जो प्रैक्टिस है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, लैब इंडस्ट्री में, वो प्रैक्टिस ना एक बहुत ज्यादा मर्यादित प्रैक्टिस है। मैं शब्द हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल प्रैक्टिस है, और सारा गुड फेथ पे होता है। आपने बोला, हमने दे दिया, हमने बोला, उसने आगे भेज दिया, तो इस स्टैटिस्टिक्स पे काम होता है। जी सर, आपकी कंपनी काम कर रही है ना, वो कोई जुबान के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रही है। जी सर, वो बोलता है कि तू 1 रुपया देगा ना, तू 1 रुपया लिख, साइन कर, स्टाम्प पेपर पे साइन करा के लेंगे। हाँ 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 हाँ। इस तरह के प्रैक्टिस ना, जिसने आज तक जीवन में 2 नंबर का काम किया हो, कैश में काम किया हो, मैनिपुलेशन का काम किया हो, हेरा फेरी का काम किया हो, उसको ईमानदारी काम समझ में आती नहीं। कपूर साहब जी सर, जी सर, वो समझने में और समझाने में समय लगता है। मोदी आ गया है, खट्टर जी आ गए हैं, आप खटखटाएंगे आपको, नंबर एक में काम करो। जी सर, क्योंकि सर इसके पहले हम लोग तो काफी परेशानी, मैं थायरो केयर में काम करता था सर, तो थायरो केयर काफी बड़ी है लैब इंडस्ट्री में जी, है। तो उस टाइम ये परेशानी आई थी, जो एग्जिस्टिंग लैब में वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, दिक्कत आती थी सर। नहीं करेगी ना सर, नहीं करेगी, क्योंकि मेडिको इंडस्ट्री ना एक छुपा हुआ इंडस्ट्री है। हाँ जी, मैं आप दोस्तों को बताते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज जिस लेवल पे हम और आप लोग आए हैं ना, यहाँ तक पहुंचने में 7 साल लगा, 7 साल जी सर। और अभी भी बहुत हॉस्पिटल या मेडिकल इंडस्ट्री के लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि वो आपसे डरता है। हाँ जी, उसको डर लग रहा है कि कल होके हमें कहीं फंसा ना दे, बदनाम ना कर दे, कहीं हमें तबाह ना कर दे। जी सर, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं एक कविता में बचपन में पढ़ा हूँ कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, और रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। जी सर, तो हम अभ्यास कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे, इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कपूर साहब। बस आप साथ बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, हम लोग जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम लोगों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वहां से अगर 1 रुपया 80 पैसे आता तो 1 रुपया 80 पैसे का हिसाब आप मांगने का हक रखते हैं, और मैं देने का हक रखता हूँ। ओके, थैंक यू सर, जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब जिंद हरियाणा से जुड़ने के लिए। और किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो सभा को समाप्त किया जाए। 8 से 9 का था, 9:09 हो गए हैं। अगर आप सभी दोस्तों की आज्ञा हो तो आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए। आज्ञा है समाप्त करने का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के कार्यक्रम में आपने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हम आभारी हैं आपके कि आपने अपना इतना उचित समय, महत्वपूर्ण समय, बहुमूल्य समय जो परिवार और बच्चों के लिए होता है, दिन में थक हार और मजदूरी करके हम लोग घर में आए होते हैं, वो समय आपने हमें दिया है, हम आजीवन आपका आभारी रहेंगे। आभारी इसलिए भी रहेंगे कि मैं दिल्ली में हूँ और आप इतने दूर दूर से इतने प्यार बरसा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने कि आप हमारे ऊपर एक सच्चे भाई की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह, एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह आप हमें प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम अभी भी 18 घंटा 17 घंटा काम करने की शक्ति रखते हैं आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आभार के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपको सादर प्रणाम करते हैं। जय हिंद सर।